फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी चीज के बारे में जो शरीर के अंदर नसों की कमजोरी को, नसों के अंदर ब्लॉकेज को, हड्डियों की कमजोरी को, जोड़ों के दर्द को और सभी तरह के वात के रोगों को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। दोस्तों, बॉडी के अंदर मस्कुलर पेन होना, आपकी नसों का कमजोर हो जाना, आपके हाथ पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट होना, आपके जॉइंट पेन होना या आपकी हड्डियां का कमजोर पड़ जाना, इन सभी समस्याओं का सबसे मेन कारण होता है शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही ना होना। अब ये समस्या बॉडी में आती कैसे है, यानी कि आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब कैसे होता है? जब हम गलत जीवन शैली जीते हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते, लिफ्ट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, आपके घर के काम भी आप खुद नहीं करते, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते और ऐसी आलस भरी जिंदगी जीते हैं, साथ में काम के स्ट्रेस बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, यानी कि दिमाग का काम तो ज्यादा है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, तो हमारी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं और नसें भी कमजोर पड़ जाती हैं। आपके हाथ पैरों के नसें अगर कमजोर हो गई हैं, आपको सुन्नपन, झंझनाहट, चींटियां काटने जैसा एहसास होता है, आप देखेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी इस तरह की प्रॉब्लम पैदा हो गई है, यानी आपको जॉइंट पेन रहता है, आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, आपको वात दोष रहता है या आपकी नसें कमजोर हो गई हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका सबसे बड़ा कारण है गलत लाइफस्टाइल जीना। तो आपको ऐसा लाइफस्टाइल त्यागना होगा जो आप जी रहे थे, जैसा आलस भरी जिंदगी आप जी रहे थे। लेकिन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम वो है कि अगर आपको हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होती है, जोड़ों में दर्द होता है, सबसे पहले आप आराम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, रेस्ट करना कहीं ना कहीं ठीक है लेकिन कंप्लीट रेस्ट करना ये ठीक नहीं है, ये गलत है। लेकिन अक्सर लोग कंप्लीट रेस्ट पर आ जाते हैं। अगर आपको कोई भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी नर्व पेन की प्रॉब्लम है, कोई भी दर्द की शिकायत है, तो आपको कभी भी कंप्लीट बेड रेस्ट पर नहीं आना है। अगर आप अपनी बॉडी की मूवमेंट बढ़ा देंगे तो यकीन मानिए अगर आपकी नसों में कमजोरी आ चुकी है तो वो दूर होना शुरू हो जाएगी, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है उस पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। दिन में आधा घंटा या एक घंटा, जितना भी आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आपने चलना है। इसके अलावा एक और चीज जो आपको वात दोष में फायदा कर सकती है, आपकी नसों को खोल सकती है, वो है कपालभाति। दोस्तों, कपालभाति एक तरह का योग है जो बहुत ही पॉपुलर है, इसके बारे में शायद आप जानते ही होंगे। अगर आप कपालभाति करते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का संचार होगा, आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल हीलिंग पावर बढ़ जाएगी। कपालभाति करने से आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी अच्छी मात्रा में जाता है। सबसे बड़ी चीज है, इससे आपको स्ट्रेस में आराम मिलेगा। आपको रोजाना कम से कम 15 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 मिनट कपालभाति प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इन दो चीजों के अलावा एक और होम रेमेडी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और दोस्तों ये है अदरक की चाय। ये आपको बिना दूध वाली चाय बनानी है। कैसे बनानी है, उससे पहले हम थोड़ी सी अदरक के बारे में जान लेते हैं। ये आपको कैसे फायदा करती है अदरक? दोस्तों, अदरक एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है जो बहुत सारी प्रॉब्लम में आपको फायदा करेगी। अदरक के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर देते हैं। इसकी वजह से आपकी बॉडी जल्दी रिपेयर होती है। इसके अलावा अदरक के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको जिंजरोल कहते हैं। ये जिंजरोल आपकी बॉडी के अंदर दर्द को, सूजन को कम करने का काम करता है। नसों के अंदर जो ब्लॉकेज आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ट्राइग्लिसराइड जम जाता है, उनको कम करने का काम करती है। अदरक की चाय को आप बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका जान लीजिए। अदरक की चाय बनाने के लिए आपको 2 कप पानी चाहिए। 1 कप पानी में आपको कसा हुआ अदरक डाल देना है। इसको आपको इतनी देर तक उबालना है जब तक पानी आधा ना रह जाए, यानी कि 2 कप का 1 कप ना रह जाए। 1 कप पानी बचने के बाद आप इसे छान लीजिए और गरम गरम चाय की तरह आप इसे इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इसके अंदर शहद मिक्स करना चाहते हैं तो आपको इसे हल्का सा ठंडा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपने इसमें शहद नहीं डालना।
तो इसके लिए आप इसको पहले ठंडा कर लीजिए और शहद डाल लीजिए। दोस्तों अगर आप इस चाय के गुणों को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको दालचीनी का टुकड़ा डालना चाहिए। अगर आपके पास पिसी हुई दालचीनी पाउडर है तो आपने 2 चुटकी यानी कि 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर इसके अंदर डाल दीजिए और इसका सेवन दिन में 2 बार करना शुरू कर दीजिए। सर्दियों के दिनों में और गर्मी आ जाए तो दिन में 1 बार कीजिए। 15 दिन रोजाना करने से आपको अपनी बॉडी में चेंज दिख जाएगा। दोस्तों हाथ पैर सुन रहना या हाथ पैरों में दर्द होना, मस्कुलर पेन होना, नसों में ब्लॉकेज आना, चक्कर आना, घुटनों का दर्द होना, ये समस्याएं दूर हो जाएंगी, वो भी बड़ी ही आसानी से। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।